हेलो ट्वेल्थीज, बड़े दिन बाद वापस इंडिकेशन करेंगे। बीच में थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैंने और बच्चे बोल रहे थे कि डिफरेंशिएशन के जो क्विज के क्वेश्चन है वो मैं अपलोड करूँ, तो उसी में थोड़े से बिजी हो गया था मैं। अब इंडिकेशन पे कुछ फटाफट दो तीन टाइप्स और करेंगे आज हम, और उसके बाद बीच में फिर से मैं एक दिन दो दिन का ब्रेक लेके मैक्सिमम मिनिमम के डाउट्स लूँगा, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि उस टॉपिक को करवा दीजिए ताकि फिनिश हो जाए पूरा AOD। तो अभी मैं दो तीन टाइप्स आज अपलोड करूँगा, डिफरेंट टाइप्स, और उसके बाद फिर हम AOD का मैक्सिमम मिनिमम कवर अप करेंगे, ठीक है? और फिर वापस इंटीग्रेशन पे आएंगे। जब तक आप इंटीग्रेशन रिवाइज करते रहिए। तो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टाइप, आपको एक स्क्रीन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, ट्रिकी है बट डिफिकल्ट नहीं है। एक बार अगर आपको आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है FX का, और यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें FX की वैल्यू चाहिए होगी, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जिसमें FX और f(1x) इन्वॉल्व हो या और भी कोई फंक्शन इन्वॉल्व हो, तो पहले हम इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। कैसे? तो आप सिर्फ इसको ऐसे मान के चलो कि ये टू वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें FX एक्स की तरह बिहेव कर रहा है और f(1x) वाई की तरह, जैसे आप 10th में करते थे। तो मैं दूसरी इक्वेशन कैसे क्रिएट करूँगा, मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये इक्वेशन दी हुई है, यानी ये टू है हर एक नंबर के लिए, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, तो मैं x की जगह 1/x पुट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं x की जगह 1/x पुट करूँगा तो मेरे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी, 2 f(1x - 3 f(x) = 1/x। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूँगा। सॉल्व इन द सेंस, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं या एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से करते हैं, वैसे ही हम इसको सॉल्व कर देंगे। मीन्स हम f(1x) को रिमूव कर देंगे। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकेंड इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ क्योंकि fx मुझे पहले चाहिए, तो मैं -3 times fx + 2 times f(1x) लिख रहा हूँ, और यहाँ 1/x है। अब क्योंकि मुझे f(x) के चाहिए, तो मैं f(1x) को रिमूव करूँगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। पहले हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। तो जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4 times fx, ये आ जाएगा 6 times f(1x), और इधर आ जाएगा 2x। और यहाँ सेम, जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -9fx + 6f(1x), और इधर आ जाएगा प्लस 3x। अब क्योंकि f(1x) का फंक्शन सेम है तो इसको हम ऐड कर देते, तो हमारे पास आ जाएगा -5fx = 2x + 3x, क्या आ जाएगा 2x + 3x। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गई fx की वैल्यू। क्या मिल गई fx की वैल्यू, वैल्यू मिल गई हमारे पास, fx हो गया -2/5x - 3/5 × 1/x। अब मुझे fx का इंटीग्रेशन करना है, मीन्स मुझे इस रिजल्ट का इंटीग्रेशन करना है। तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ fx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx हो जाएगा -2/5x का इंटीग्रेशन -3/5 1/x का इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा आपके पास -2/5x² / 2, और ये हो जाएगा 3/5 log x + c, और 2 से 2 कट जाएगा। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना था, fx का इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा -x² / 5 - x² / 5 - 3/5 log(1) log(x) + c, ठीक है? तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा, और उसके बाद हम आज की टाइप पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे भी बेटे ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है बट है नहीं। अगर मैं इसका LCM ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पर LCM आ जाएगा x log x² और यहाँ आ जाएगा x cos x - sin x, और यहाँ पे आ जाएगा x log x, ठीक है? अब क्या करें इसके अंदर, एक बार सोच के देखिए इसमें क्या स्ट्राइक कर रहा है। कुछ आपका कोई इजी सी चीज़ बन रही है अभी, अगर आपको दिख रहा हो तो कुछ डिफरेंट सी मिल रही है, नहीं मिल रहा, देखते हैं बेटा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेता हूँ,
इस तरह रेंज करता हूँ कि ये बन जाएगा मेरे पास, अगर मैं x से डिवाइड कर दूँगा तो ये बन जाएगा आपके पास cos x इंटू log x, मैं ना x से डिवाइड कर रहा हूँ ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 1 बाई एक्स साइन एक्स अपॉन log x का स्क्वायर। अब स्ट्राइक करा होगा आपको क्या है, ध्यान से देखो क्या देख रहे हैं आप, ऊपर क्या है कुछ डेरिवेटिव बन रहा है, log x एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव cos x और साइन x एज इट इज log x का डेरिवेटिव। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि d बाय डी एक्स ऑफ साइन x फिर log x एज इट इज और फिर माइनस साइन x एज इट इज d बाय डी एक्स ऑफ log x और नीचे बन रहा है log x का स्क्वायर। तो एक तरह से आप देखो ध्यान से ये क्वेश्चन रूट बन रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं ये पूरी टर्म क्या बन रही है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई लॉग एक्स, सही कह रहा हूँ मैं, देखो एक बार साइन एक्स बाई लॉग एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, लॉग एक्स का स्क्वायर यानी डिनोमीटर का स्क्वायर, देन डिनोमीटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमीटर का डेरिवेटिव, तो डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ हमें d ऑफ साइन x बाई लॉग x चाहिए, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा साइन x बाई लॉग x प्लस सी। ये क्लियर हुआ आपको कैसे हुआ, क्योंकि हमारे पास d ऑफ दिस बच गया, जैसे अगर हम कहते हैं 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो x आता है, 1 का रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करते हैं y आता है, उसे 1 का इंटीग्रेशन d ऑफ साइन x बाई लॉग x करेंगे तो साइन x बाई लॉग x प्लस सी आ जाएगा। तो एक ये थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आज की टाइप पे, जो स्पेशल टाइप है, इस टाइप में हम पढ़ेंगे बेटा कि डिफरेंट पावर ऑफ टेन एक्स कॉट एक्स आ जाए तो कैसे करेंगे। जैसे हमने साइन एक्स की इवन पावर वाला कंसेप्ट किया था, कॉस एक्स की इवन पावर ऑड पावर किया था, इसी तरह से टेन की बात करते हैं। पहले मैं सारे क्वेश्चन टेन में कवर करूँगा, यानी टेन की पावर 1, टेन की पावर 2 और फिर कॉट की बात करेंगे। तो मान लेते हैं टेन की पावर 1 का इंटीग्रेशन आ गया तो क्या करेंगे, तो हमने पढ़ा हुआ है, टेन को लिख देते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, है ना, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस से अंदर और बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, अब नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव बन गया, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म से इसका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, यानी टेन एक्स का इंटीग्रेशन हम कहते हैं माइनस लॉग कॉस एक्स आता है, या फिर माइनस को पावर बना देते हैं कॉस एक्स की तो लॉग सेक एक्स प्लस सी आ जाता है। फिर हमें पता है हम टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं हम इसको लिख देते हैं sec square x माइनस वन, और फिर sec square x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं tan x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, ये तो हो गया 1 पावर 2 पावर। ऐसे ही tan x की पावर अगर 3 आ जाएगी तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, tan cube x, तो tan cube x में हम क्या करेंगे, tan x की पावर 1 अलग कर देंगे और हमेशा स्क्वायर अलग कर लेंगे, यानी एक स्क्वायर आपने अलग निकाल लेना है tan की फॉर्म से। अब आप क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसको लिख देंगे आप sec square x माइनस वन, लिख सकते हैं tan x की प्रॉपर्टी से, तो आपके पास ये जो इंटीग्रल था इसके दो इंटीग्रल बन गए, एक बन गया tan x sec square x और एक बन गया सिर्फ tan x, तो जो अकेला tan x है वो तो फर्स्ट वाला इंटीग्रल हो गया tan x की पावर वन, तो उसको वैसे सॉल्व कर देंगे, और यहाँ क्या आ गया, ये फंक्शन है ये उसका डेरिवेटिव है, तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने कि एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो उस प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा टेन एक्स की पावर टू अपॉन टू, और यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। आप चाहे तो वो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इस केस में आप टेन एक्स को पी भी पुट कर सकते हैं, सेक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ऐसे ही सेम क्वेश्चन बन सकता है टेन की पावर फोर, तो टेन टेन की पावर में क्या करेंगे, सेम लॉजिक बेटा, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स कर देंगे जैसे हमने ऊपर किया था, और फिर बाद वाले टेन स्क्वायर को लिख देंगे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और फिर से इसको लिख देंगे टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर को वापस लिख देंगे हम जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया इस टाइप में, टेन स्क्वायर को हम लिख देंगे ऐसे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे ये है फंक्शन टेन एक्स की पावर टू, तो ये उसका डेरिवेटिव है, तो एफ एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स की पावर एन प्लस वन यानी थ्री बाई थ्री, और फिर यहाँ पर सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगा,
माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ऐसे ही मैक्सिमम 4 तक ही आ सकता है, बट अगर आप बाई चांस आपको 5 का आ जाए कि 10^5 का इंटीग्रेशन निकालो, तो अब क्योंकि आप परफेक्ट हो चुके हैं इस कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया, तो 10^5 भी निकाल सकते हैं। कैसे? आप कहेंगे भी 10³x इंटू sec²x माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि 10² को मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब इसके आप दो इंटीग्रेशन बना देंगे, एक बन जाएगा 10³x इंटू sec²x और फिर बनेगा 10³x है ना, माइनस 10³x। 10³ को फिर से ब्रेक कर देंगे तो ये बन जाएगा 10x इंटू 10²x, जिसको हम वापस लिख देंगे sec²x माइनस 1। तो जितने मर्जी पावर आए तो आप 10x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये आ गया, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 10x इंटू sec²x और फिर प्लस 10x का इंटीग्रेशन। अब सेम फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, यहाँ पे फंक्शन है 10x, उसका डेरिवेटिव है sec²x की पावर 3 है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10x की पावर 4/4, यहाँ पे आ जाएगा 10x की पावर 2/2 और प्लस log ऑफ sec x प्लस c। तो इस तरह से हम कोई भी पावर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे। अब सेम क्वेश्चन हम cot में भी कर सकते थे, तो अगर आपको आ जाए cot x का इंटीग्रेशन करो, cot x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो हमने पढ़ा था cot x को लिख सकते हैं cos x बाय sin x, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, तो log sin x प्लस c आंसर आ जाएगा। और आप चाहें तो इसको माइनस log cos x भी लिख सकते हैं। फिर अगर आपके माइंड में आए कि भी cot square x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जैसे 10² का किया है वैसे ही cot square का होगा, तो ये बन जाएगा cos x² माइनस 1 और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, तो cos x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x और 1 का हो जाएगा x प्लस c। इसी तरह से अगर आ जाए आपको cot क्यूब x का इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे, क्या बताया मैंने, आप पहले एक पावर अलग कर लेंगे और cot स्क्वायर कर देंगे, और cot स्क्वायर को बिल्कुल वैसे ही जैसे 10 में किया था ना, इसको लिख देंगे cos x² माइनस 1। यहाँ से हमारे दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे बेटा, cot x इंटू cos x² माइनस cot x इंटू 1। तो यहाँ पे ये फंक्शन है बट इसका डेरिवेटिव माइनस होता है, तो माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, तो cot x का डेरिवेटिव हो गया माइनस cos x², तो ये हमारा फंक्शन बन गया, ये उसका डेरिवेटिव है, तो cot x की पावर 2/2 आ जाएगा, है ना, क्योंकि एफ एक्स की पावर n+1/n+1 होता है, और cot x के इंटीग्रेशन को हम लिख देंगे log sin x प्लस c। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आपसे मैं बोलूँ कि आप ना ट्राई करो cot की पावर 4 का इंटीग्रेशन, तो कर पाएंगे आप? बिल्कुल कर पाएंगे। जैसे हम 10^4 का इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही cot की पावर 4 का इंटीग्रेशन कर देंगे। कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे cot स्क्वायर एक्स इंटू cot स्क्वायर एक्स, ठीक बात है, इसको ब्रेक कर देंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा cot स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स dx और फिर माइनस cot स्क्वायर एक्स आएगा, cot स्क्वायर को फिर प्रॉपर्टीज लिख देंगे cos x² माइनस 1 और फिर इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस, तो मैंने क्या किया माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया फंक्शन की पावर 2 एफ एक्स की पावर 2 इंटू एफ डैश एक्स, इसका उस प्रॉपर्टी से आंसर आ जाएगा cot x की पावर 3/3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस cot x और यहाँ हो जाएगा माइनस x प्लस c। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा माइनस cot क्यूब x बाय 3 प्लस cot x प्लस x प्लस c। तो आपने देखा कि इस तरह से हम 10 की और cot की कोई भी पावर हो उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आप कोई भी पावर लेना और आप ट्राई करके देख लेना, कर सकते हैं ऐसे ही। वैसे cot 5 नहीं आ सकता है बट फिर भी कंपिटेटिव लेवल में अगर बाई चांस पूछा जाए कि cot की पावर 5 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो क्या करेंगे हम cot की पावर 5 को लिख देंगे cot स्क्वायर एक्स इंटू cos क्यूब एक्स। बस ये हमारा इस ट्यूटोरियल का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिया। ठीक है ना, cot स्क्वायर को लिख देंगे cos x² माइनस 1
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कॉट क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस कॉट क्यूब एक्स, कॉट क्यूब को फिर से क्या लिखेंगे, लिख देंगे कॉट एक्स या इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, यानी हमेशा ना स्क्वायर अलग कर देना है आपने। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए इसको माइनस प्रोवाइड कर दिया ताकि डेरिवेटिव बन जाए और जो है माइनस था वो बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे यहाँ पे इसको लिख दिया, इसको ना माइनस को मैं पहले ऐसे पहले इसको लिखा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, फिर उस माइनस को अंदर ले गया तो ये बन गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। ठीक बात है। तो यहाँ पे ये फंक्शन है कॉट एक्स और उसकी पावर थ्री है और साथ में डेरिवेटिव है। मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ आपको समझ आ रही है, हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स की पावर एन डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं याद आ रही तो आप क्या कर सकते हो कि कॉट एक्स को पी पुट कर सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे और फिर उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर एक्स ला सकते हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, माइनस कॉट की पावर फोर एक्स अपॉन फोर, यहाँ पे फंक्शन है ये उसका डेरिवेटिव है तो यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन टू और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाइनली लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो ये एक और स्पेशल टाइप हमने कवर कर ली जिसमें टैन की कोई भी पावर आए तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।